दोस्तों सरसों का तेल निकालने के बाद जो ड्राई मटेरियल बचता है वो होता है सरसों की खली। ये जो मेरे हाथ में है ये सरसों की खली है, जो कि गार्डनिंग में हम बहुत ही बेहतरीन खाद के रूप में जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये बहुत आसानी से ऑनलाइन भी मिल जाती है, और जहाँ तेल निकालते हैं वहाँ पर ये 30 से 40 रुपये किलो आपको मिल जाती है। तो इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र कैसे बनाते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसको इस्तेमाल करने में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, वो सारी हम बातें आज वीडियो में करेंगे। क्योंकि मस्टर्ड केक या सरसों की खली से जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया जाता है उसको दूसरे लिक्विड फर्टिलाइज़र से थोड़ा डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। सरसों की खली में ये मैंने इसमें 100 ग्राम खली डाली है और 5 लीटर इसमें मैंने डाल दिया है पानी। तो और इसको हम 24 घंटे के लिए रख देंगे। 24 घंटे के बाद आप देख सकते हैं, 24 से आप 26, 27, 28 घंटे भी रख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं इसका कलर कैसे हो गया। इसमें सबसे बड़ी चीज़ है पानी का रेशियो रखना, इसको गाढ़ा बिल्कुल नहीं रखना होता। अगर गाढ़ा रहेगा तो ये आपको फ़ायदे की बजाय आपके पौधे को नुकसान पहुंचा देगा, फंगस लग जाती है इससे। तो 5 लीटर पानी मैंने पहले मिला लिया था, 5 लीटर पानी और मिला लिया। एक चीज़ और, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये येलो कलर की है सरसों खली, ऐसी नहीं होती। सरसों दो तरह की होती है, काली सरसों और पीली सरसों। ये पीली सरसों की खली है, तो इसमें सरसों के छिलके और वो सब है। इसको डालने से पहले आपको क्या सावधानी रखनी है, ये चेक कर लेना है कि आपकी जो मिट्टी है पौधे की वो कम से कम 2 इंच तक बिल्कुल सूखी हुई हो, और हल्का सा उसको आप ढीला कर लें। सूखी ज़रूर होनी चाहिए, गीली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सरसों की खली में बहुत जल्दी फंगस लगती है। तो हमने इसलिए जब भी आप सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते हैं तो आपको 2 से 3 दिन पहले उसमें पानी देना बिल्कुल बंद कर देना है। तो ये शिमला मिर्च का दूसरा पौधा है ग्रो बैग में, इसमें मैं डाल देती हूँ ये इसमें मैंने डाल दिया है। ये हो गया, 2 डब्बा भर के इसमें मैंने ये डाल दिया है, लगभग आधा लीटर एक में डाल दिया एक पौधे में। ये मिर्ची का पौधा है, इसमें भी डाल देती हूँ। सभी पौधों में मैंने पानी डालना बंद कर रखा था 2-3 दिन पहले से। ये तोरई के पौधे हैं, सभी प्रकार के पौधों में आप डाल सकते हैं। डालते हुए एक चीज़ की और सावधानी इसमें रखनी है आपको, कि सरसों की खली के जो ये होता है लिक्विड फर्टिलाइज़र, ये बिल्कुल भी पत्तों पर ना डले। अगर पत्तों के ऊपर डल गया है तो आप उसको पानी से, उसके ऊपर पानी छिड़क दें, पानी से उसको मतलब धो दें। ये करेले की बेल है, आप देख रहे हैं कि मैंने बिल्कुल बचा के नीचे की तरफ इनमें ये सारा पानी डाला है। अगर पत्तों के ऊपर ये डल जाएगा तो पत्तों में सड़न पैदा हो जाती है, ये 3 से 4 दिन के अंदर सड़ना शुरू हो जाता है, और गाढ़ा होगा तो भी इसकी पपड़ी जम जाती है इसमें। तो दो इसके बाद भी आपको इसमें पानी बिल्कुल नहीं देना है 2-3 दिन तक। आप देखें कि जब सूख गई है ये मिट्टी, 2-3 इंच तक जब सूख जाएगी इसके बाद तब आपको उसमें पानी देना है। और अगर उसके ऊपर पपड़ी जैसी आ गई है, स्टार्च जैसा पपड़ी सी उसमें जम जाती है कई बार, थोड़ी सी गाढ़ी भी अगर होती है, तो उसको आप एक बार नड़ाई गुड़ाई करके छोड़ दें, थोड़ा सा ढीला कर दें ऊपर से मिट्टी को, और 2-3 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दें। जब मिट्टी पूरी तरह सूख जाए फिर उसमें उसके बाद आपको पानी देना है। ये उल्टी बॉटल में टमाटर मैंने बो रखे हैं, ये वैसे तो ख़त्म होने वाला है पौधा, जो टमाटर लगे हुए हैं वही पक रहे हैं बस। फिर भी इसमें मैं डाल देती हूँ थोड़ी सी खली डाल दी इसमें भी। तो इस पर ये फूल वाले, फल वाले, डेकोरेटिव प्लांट्स जो भी हैं सभी में डालने हैं। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, भूल कर भी इसका स्प्रे नहीं करना है। आप जिस तरह से दूसरे बायो एंजाइम्स का या दूसरे लिक्विड फर्टिलाइज़र्स का स्प्रे कर सकते हो, इसका बिल्कुल भी स्प्रे नहीं करना है। इससे फल और ये पत्ते, फल फूल सभी चीज़ नहीं तो सड़ जाएंगे। तो नीचे डालना है पानी में, घोल के पतला रखना है इसको, चाहे पतला हो जाए लेकिन गाढ़ा बिल्कुल ना हो। मिट्टी में डालना है डायरेक्ट, और मिट्टी को पहले सुखाना है, और उसके बाद 2 से 3 दिन तक पानी बिल्कुल नहीं देना है। और जब पूरी तरह से वो सूख जाए तो थोड़ा मिट्टी को ढीला कर देना है अगर पपड़ी जम रही है तो, और उसके बाद फिर आप इसमें प्लेन वाटर दे दें। एक चीज़ और, सर्दियों में आप इसको 10-12 दिन में दोबारा दे सकते हैं, लेकिन गर्मियों में इसका रेशियो आपको ज़्यादा रखना है, 20 दिन से पहले इसको दोबारा नहीं देना है।
तो इस तरह से आप सरसों की खली का इस्तेमाल करके अपने पौधों को हरे भरे और जो है ये फल और फूलों से भरपूर बना सकते हैं। ये कुछ बातें हैं जो सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हुए ध्यान रखें।